अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता। आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है। इससे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी वो डिस्क्रीट थी। डिस्क्रीट मेरी तमाम क्लासेस जूम पे ही होती हैं। अच्छा तो आज का टॉपिक है हमारा कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, उनमें हमने जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते थे वो डिस्क्रीट नंबर की थी, जैसा कि एक कॉइन, दो कॉइन। जब दो वैल्यूज के दरमियान जंप आ जाए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो इस सिचुएशन में हमारे पास है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक से लेकर दो के दरमियान लातादाद नंबर्स मौजूद होंगे। तो उनकी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है वह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एन और पी थे, फिर पाइथन में हमारे पास म्यू आ गया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक को हम म्यू कहते हैं, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन, और दूसरे को हम सिग्मा कहते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे दो पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर हमने किसी पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसका जो फार्मूला है वो है z इज इक्वल टू a, वो पॉइंट है जहां तक हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, माइनस म्यू पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तो हमने किसी पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब उस पॉइंट से लेकर उससे छोटी जितनी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेट्स सपोज कि अगर इसकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आप इतना याद रखें कि अगर आपने लेस देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसी पॉइंट से लेस देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपने जस्ट जी का जो आंसर आएगा उसको एक टेबल में से चेक करना है, उस टेबल में से चेक करना है जो वैल्यू वहां पर मौजूद होगी वो लेस देन की प्रोबेबिलिटी होगी। इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसकी यहाँ से एक्सप्लेन ठीक से नहीं हो रहा।
ये हमारे पास जी का टेबल है, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, द एवरेज डेली जेयर पॉपुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज दिस वन। ये पॉपुलेशन एवरेज आ गई, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस वन, ये हमारे पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन आ गया, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन अ रैंडम सिलेक्टेड डे द जेल पॉपुलेशन इज लेस देन दिस वन। अब हमारे पास लेस देन की सिचुएशन है, तो हमारे पास ये पहले वाली सिचुएशन बन गई लेस देन की, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास म्यू है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन 706242, सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 52145, और जिस पॉइंट तक की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट है 750000। हमारे पास लेस देन की प्रोबेबिलिटी, लेस देन की सिचुएशन है, तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 750000 लेस देन जी, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास z सबसे पहले फाइंड होना चाहिए, तो z का फार्मूला हमारे पास a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इनकी वैल्यूज हमने पुट की और जब इनको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास 0.84 आया। हमारे पास जो टेबल हैं वो दो हैं, एक ये जिसमें हमारे पास z की वैल्यू प्लस है, प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 आफ्टर सोन प्लस 4 तक, और एक हमारे पास दूसरा टेबल है जिसमें z की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है प्लस 0.84। जिस तरह से हम मैट्रिक में लॉगरिथम का टेबल देखते थे, सेम उसी तरीके से 0.8 ये है, इसको फोर्थ में देखते हैं तो हमारे पास 0.84 पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.7955 आ रही है, 0.79955। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई लेस देन, जब हमारे पास लेस देन सिचुएशन है 0.7955। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन हमारे पास है 1028, द नेशनल एवरेज स्टेट स्कोर इज 1028। इफ वी अज्यूम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 92, what is the probability that a randomly selected score exceed 1200। ठीक है, इसमें population arithmetic mean हमारे पास 1028 है, population standard deviation 92 है। ठीक है, और हमने probability find करनी है कि हमारी जो वैल्यू है वो 1200 से ज़्यादा आए, एक्सीड ज़्यादा आए,
तो हमारे पास म्यू आ गया 1028, सिग्मा आ गया 92, ए आ गया 1200। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमने फाइंड करनी है ग्रेटर देन 1200, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जी का। जी के अंदर हमने वैल्यूज पुट की 1200 माइनस 1028 डिवाइडेड बाय 92। जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.87। 1.87 को हमने दोबारा फिर टेबल में देखना है। ये 1.8 इसको हमने सेवंथ में देखना है, तो सेवन हमारे पास है 0.96926। ये हमारे पास 1.87 का आंसर है, 0.96926। एक बात ध्यान में रख लो कि ये जो जी का टेबल है ये हमेशा लेस देन की प्रोबेबिलिटी बताता है, लेकिन हमारा जो अब क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सीड ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेस देन की प्रोबेबिलिटी मौजूद है और हमने ग्रेटर देन की फाइंड करनी है तो हम वन में से लेस देन की फाइंड जो की हुई है उसको माइनस कर देंगे। ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, लेस देन की हमने फाइंड कर ली है, जो हमने फाइंड कर ली है लेस देन की प्रोबेबिलिटी उसको हमने वन में से माइनस कर देना है। तो वन माइनस 0.96926, ठीक है। जिस तरह से हमने पहले लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी देखा कि जब हमारे पास कंप्लीमेंट की सिचुएशन आ जाए और उसके बाद हमने क्वेश्चन में भी उसकी प्रैक्टिस की कि अगर हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई और हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वन में से कंप्लीमेंट को माइनस करेंगे तो ओरिजिनल सेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वन माइनस 0.96926 करेंगे तो हमारे पास 0.03074 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। सर ये टेबल हमें प्रोवाइड किया होगा पहले या हमें कोई और वे भी है कैलकुलेट करने का इसका? ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पेपर में भी आपको ये अलाउ होगा कि आप टेबल अपने साथ लेकर आ सकें। ओके हो गया सर। सर ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये टेबल की वैल्यूज सारी की सारी याद कर सकें, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ सर ये टेबल टेबल कहाँ से मिलता है सर? ये टेबल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ये मैं आपको स्लाइड्स भी दे दूंगा तो आप उसमें से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप गूगल पे जी टेबल लिखोगे सर, ठीक है, अगर आप गूगल पे जी टेबल लिखोगे तो आपके पास ये जी टेबल बन जाएगा। ये जी टेबल है, इसमें ये नेगेटिव वैल्यूज का पहले आएगा, फिर नीचे इसके
भी होती रहती है ये वैल्यू जी, सर ये वैल्यू मतलब सेम ही रहती है या चेंज भी होती रहती है, बंदा याद कर ले? आप ये सारी वैल्यूज याद नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा होती हैं। ये देखो माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक ये वैल्यूज हैं, और आप ये कैसे याद कर लोगे? आपसे फार्मूला तो याद होगा मुश्किल से, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सर ये कोशिश करे हो जाता है। चले आप याद कर लो, इसमें कोई हर्ज भरी बात नहीं। सर अगर कोई याद हर जगह ये हर जगह सेम ही रहता है ना, चेंज तो नहीं हो जाता ये? नहीं, ये सेम रहता है हर जगह पे। अगर आप याद करना चाहते तो आप याद कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये आप नेट से देख सकते, नेट से ले सकते हो ये टेबल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड, इसमें सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। द एवरेज क्रेडिट कार्ड डेबिट फॉर सीनियर कॉलेज सीनियर्स इज दिस वन। इफ द डेबिट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the senior was between 3000 to 4000. पहले हमने probabilities find की less than की, फिर हमने probabilities find की greater than की, अब है दो values के दरमियान में हमने probability find करनी है। हमारे पास ये जो table था इसमें अगर आप देखो तो ये एक शेप बनी हुई है, बेल शेप बनी हुई है। ठीक है, वो बता रहा है कि इस पॉइंट से लेस देन की ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, अगर आपने ग्रेटर की फाइंड करनी है तो ये वन में से ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये वाली बाकी रिमेनिंग आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये दो पॉइंट्स हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, आपने इन दोनों के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे? आपको ये वाली, अगर आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा आ जाएगी। ऐसे ही है ना, आपको ये वाली प्रोबेबिलिटीज नहीं रिक्वायर्ड, आपको जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है ये आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो आप क्या करोगे? यहाँ से लेकर इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे और इसमें से इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे, क्योंकि ये पॉइंट भी हमें वो प्रोबेबिलिटी बताएगा जो इस पॉइंट से लेस है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई ये माइनस हो सकती है कि अगर हम इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, अगर हम ये पोर्शन फाइंड कर लें तो हम इस पॉइंट से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें से इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास दरमियान वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा ही है ना, अगर इस पॉइंट की समझ आ गई तो क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा, अगर किसी को इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो बता दे। नहीं सर, पता नहीं लगा कौन से पोर्शन को करना है। ये जिसने ये ब्लू एरो लगाया ये रेज करते, और अगर आप ऐसे ऊपर निशान लगाओगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी और ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दोबारा से देखो, मैं इसको ये रेज करने लगा हूँ। हमारा जो जी का टेबल है
जो हमारा जी का टेबल है ये हमें प्रोबेबिलिटीज बताता है किसी पॉइंट से लेस देन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हमने किसी दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट पे ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करें तो ये हमें ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा बता देता है, हमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ये पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। फिर हम इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी में से इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुआ था ये सब्ट्रैक्ट होके तो हमारे पास ये मिडिल पोर्शन रह जाएगा। क्लियर हुआ सर? वो जो आप पॉइंट की बात करते हैं उधर पता नहीं लगता कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, इधर स्क्रीन पे कुछ नहीं शो हो रहा, रुकी हुई है स्क्रीन। अभी इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसका कोई पॉइंट का बताने का जरूर मसला नहीं था, मसला ये था कि अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसका क्या सिचुएशन होगी। अभी 4000 और 3000 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो आपके पास है, सबसे पहले आपने 4000 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब आप 4000 की प्रोबेबिलिटी b माइनस 3262 डिवाइडेड बाय 1100 करोगे और इसको सिंपलीफाई करोगे, क्योंकि 3262 हमारे पास है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1100 है। इन वैल्यूज़ को जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास 0.67 आंसर आएगा। ठीक है, जब हम 0.67 को टेबल में से देखेंगे, 0.67 को हम टेबल में से देखेंगे, ये 0.6 और ये 7, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.74857। ठीक है, 0.857। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3000 की, वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.24। अभी देखो लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हमें बताता है कि ये 0.67 है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू माइनस 0.24। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम 0.67 के चेक करें तो ये हमें एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी बता रहा है, इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी भी हमें बता रहा है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आई? जो हमने इन फार्मूलाज की मदद से हमने ये सॉल्व की, ठीक है, ये दो वैल्यूज सर इस क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी।
हमारे पास जो सिचुएशन है अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो इन दो पॉइंट्स में ग्रेटर होगा, जो इन दो पॉइंट्स में ए और बी में से जो बड़ा होगा हम पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, माइनस जो इन दो पॉइंट्स में छोटा होगा फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, ए और बी के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है ए और बी में जो बड़ी वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, माइनस ए जो छोटा नंबर है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने वैसा ही किया, 3000 से 4000 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन की समझ नहीं है, टॉपिक पूरे की समझ नहीं आई सर, ये लास्ट वाले की समझ नहीं आ रही, पहले दो की समझ आ गई है जो आपने दो दो पहले करवाए हैं, टॉपिक की है, टॉपिक की समझ नहीं लगी। दोबारा मैं बता रहा हूं कि अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3000 से 4000 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले जो इन दोनों में से बड़ा होगा, 3000 और 4000 में 4000 बड़ा है, पहले हम 4000 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, उसमें से 3000 की हम प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट वे है, पहले हमने 4000 बी की जगह पर पुट किया और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई 0.7487857, ये प्रोबेबिलिटी आई, इसमें से फिर हमने 3000 के साथ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की वो हमारे पास 0.4051517 आ गया, ठीक है। ये लास्ट पे जब हमने दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, माइनस जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमने 0.7487857 माइनस 0.40517 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बिटवीन 3000 to 4000। समझ आई इसकी या अभी नहीं आई, इस क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई? जी बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए यही है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो एक दफ़ा जब मैं ये अपलोड कर दूंगा YouTube पे तो वहां से एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ ना आई
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की, कोशिश की, तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर ना भी आई तो हम दोबारा कर लेंगे। सर यूट्यूब पे कहाँ पर, कहाँ से मिलेगी? आपके पोर्टल पे इसका लिंक भी आ जाएगा, जो बाकी लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपके पोर्टल पे आ चुका है। ठीक है जी सर, तो चेक करता हूँ। सर आज ही लिंक आ जाएगा इसका, उम्मीद है अगर नेट ठीक रहा तो आज ही आ जाएगा। ठीक है सर।